एक चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, क्या था वो? बायोटेक है ना, एंड इट्स एप्लीकेशन, यही था क्या है, मतलब इसके एप्लीकेशन क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रीवियस चैप्टर समझ नहीं आया है तो थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए वो चैप्टर समझना ज्यादा जरूरी था, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसके एप्लीकेशंस मेजरली जो अभी हमारे लेवल पे पढ़ना है, आपको आपके लेवल पे पढ़ना है, वो तीन मेजर फील्ड होते हैं। कौन कौन से? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मॉलिकुलर डायग्नोसिस और इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एक एक करके हम सारे जो फील्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कल की क्लास में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन को स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी के कुछ सब डिविजन्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बेसिकली एग्रीकल्चर के फील्ड की बात कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर द ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। आप मेडिसिन के फील्ड की अगर बात कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर द रेड बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं दैट कम्स अंडर द व्हाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। और अगर हम मैराइन इकोसिस्टम से रिलेटेड बात कर रहे हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा फिर हमने कुछ मेजर एरियाज भी पढ़े थे जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा रिसर्च है, तो हमने तीन पढ़े थे कि कहाँ कहाँ पे उसको किस किस फील्ड में, मतलब क्या उसके मेजर एरिया हैं रिसर्च के। तो एक तो क्या आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कैटलिस्ट का प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना बेस्ट कैटलिस्ट आप दे सकते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना अच्छे से अच्छा आप बना सकते हैं। फर्स्ट था स्टेरिलिटी कंडीशंस का मेनली फोकस था, सेकेंड ये रिसर्च था, थर्ड जो होता है क्या दैट वाज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि जितने भी स्टेप्स हैं हम उनको कितना रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेप्स विल बी रिड्यूस उतना ही सेम क्या होगा उस, लेकिन क्वालिटी को रिड्यूस नहीं होने देना है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया था कि अगर दो डिफरेंट इंडस्ट्री हैं और उनके कोई एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन आपको मार्केट में अलग प्राइस की है, दूसरे थोड़े कम प्राइस की है, एक हाई एक लो, तो जो हाई प्राइस है आप सीधा समझ जाइए कि उन्होंने अपने डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में किसी भी स्टेप को नहीं हटाया है, उन्होंने सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, इसीलिए तो उसका प्राइस रेट ज़्यादा है। लेकिन जिसका रेट कम है मार्केट में, इसका मतलब है कि उन्होंने क्वालिटी को नहीं डाउन होने दिया है, बट उन्होंने डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम आई और उन्होंने कम कॉस्ट पे मार्केट में उसकी सेलिंग करी, ये बात है, ठीक है। हमने फिर कल शुरू किया था कि बायोटेक्नोलॉजी के जो मेजर एप्लीकेशंस हैं सबसे ज्यादा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में, वो क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसी के कल हम बात कर रहे थे, तो आज हमें इसे कंप्लीट करना है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, ठीक है, जिसे ह्यूमुलिन का नाम भी दिया जाएगा, हम देखेंगे कैसे इसको ह्यूमुलिन कहा जाता है। सबसे पहले जो इसका जो प्रोडक्शन किया था वो किसने किया था? एले लिली कंपनी। एले लिली को आप कैसे याद रख सकते हो? लिली फ्लावर होता है ना, बस उसी से है ना, तो एले लिली, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ था, जैसे फ्लावर होते हैं ना बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग सीजन्स में उनका बहुत हाई फ्लावरिंग होती है, फ्लावर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें, सेम वही कहानी ये थी। यहाँ पर जब एक बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बन गई तो उस कंपनी ने बहुत हाई लेवल पे उसको क्या किया, मार्केटिंग किया, तो इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं, सिर्फ याद रखने की ट्रिक है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमने कल देखा था कि जो इंसुलिन होती है वो क्या होती है? एक प्रोटीन हार्मोन है ना, क्या है ये? प्रोटीन हार्मोन है। दूसरी बात, ये किससे मिलकर के बनी होती है? एक तो दो पेप्टाइड चेन से, यानी कि प्रोटीन हार्मोन है मेड अप ऑफ टू पेप्टाइड्स है ना, चेन, टू पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो है आपकी इंसुलिन, ये कैसी है? एक क्वार्टरनरी प्रोटीन है ना, क्वार्टरनरी प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे हीमोग्लोबिन है ऐसे इंसुलिन भी आपकी क्वार्टरनरी प्रोटीन के अंदर में आती है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। ये जो पेप्टाइड चेन है ये दो है होती हैं, एक ए चेन जिसमें कितने अमीनो एसिड्स कल हमने डिस्कस करे थे, इसमें नियर अबाउट 21 अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और एक होती है आपकी बी चेन है ना, जिसमें कितने होते हैं?
नियर अबाउट 30 अमाइनो एसिड, कितने होते हैं। ठीक है, एक और होती है बीच में सी चेन। सी चेन, इसकी अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो इसमें 33 अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन अगर सी चेन प्रेजेंट है इंसुलिन की स्ट्रक्चर में, यानी कि अगर इस तरह से है ए सी बी, ठीक है, कुछ ऐसे होगी, ये ए चेन है और ये आपका बी चेन है, दोनों के दोनों ही डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं ये दोनों, ठीक है। और साथ में क्या होगा, यहां पर एक और चेन होगी, दैट विल बी सी चेन, इस तरह से, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये जो रेड से बनाई है मैंने, ये है सी चेन, ठीक है, जिसमें 33 अमाइनो एसिड से डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये भी कनेक्टेड है। अगर इस तरह के इंसुलिन है, इस तरीके के, तो हमने इसको नाम दिया था क्या, प्रो इंसुलिन, ठीक है, प्रो इंसुलिन, या आप कह सकते हो प्रो इंसुलिन को, ये इमैच्योर इंसुलिन है, इमैच्योर। तो ये इमैच्योर से मैच्योर फॉर्म में कब कन्वर्ट होगी, जब इसमें से ये वाली चेन का रिमूवल हो जाएगा, जब इसमें से ये चेन हट जाएगी, तब जाकर के ये कन्वर्ट हो जाती है इंसुलिन में, ठीक है, या मैच्योर फॉर्म में या एक्टिव फॉर्म में। ये सब हमने कल पढ़ लिया था, है ना। अच्छा, आज हम इसके जो थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर डायग्रामेटिकली पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे बनाया जाता है इसको। देखिए, कल मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया था कि ये ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस कंपनी के लिए भी, भाई ये सी चेन तो इसके साथ में है ही है, ये थोड़ा ना अलग है, ये सी चेन तो इसके साथ रहेगी रहेगी ना, एक्टिव फॉर्म में जो प्रो इंसुलिन है, और जब तक ये चेन हटेगी नहीं तब तक ये एक मैच्योर फॉर्म में आएगी नहीं, एक्टिव फॉर्म में आएगी नहीं। हमें ये बात भी पता है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन की बात कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के हर एवरी सेल्स एवरी पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट है, जीन का एक्सप्रेशन नहीं है, उसका एक्टिवेशन नहीं है बॉडी के हर पार्ट में। उस जीन का जो इंसुलिन को बनाने के लिए उसका एक्टिवेशन कहाँ पर है, सिर्फ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस ऑफ पेनक्रियाज में ही होता है एक्टिवेशन, वहां होता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, उसके बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है ये। अदरवाइज आपसे पूछा जाए कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो भाई प्रेजेंट तो ऑल ओवर द बॉडी होते हैं एक्सप्रेशन, वो अपने अपने टारगेट जो ऑर्गन्स होते हैं, टारगेट सेल्स होती हैं, टारगेट साइट्स होती हैं, वहीं वहीं पे होता है, ठीक है। ये चैलेंज अब कंपनी के सामने भी आया, एले लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो ए चेन को बनाने वाला जो जीन था उसको आइसोलेट अलग से किया। अच्छा, ये पहले से ही नोन था कि जो ए चेन को बनाने वाला जो जीन है बेसिकली वो 63 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, यानी कि जो ए चेन बनाएगा ये 63 न्यूक्लियोटाइड, ये पहले से ही पता थी, ये डिस्कवरी पहले से ही हो चुकी थी, ये थी 63 न्यूक्लियोटाइड। जब पता है साइंटिस्ट को कि ये 63 जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डीएनए में, यही ए चेन को फॉर्म करने वाला है। बी चेन की अगर हम बात करते तो वो 90 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस था बी चेन के, जिसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये था 90 न्यूक्लियोटाइड्स, ये था 63 न्यूक्लियोटाइड्स, पता थी। तो उन्होंने क्या किया, डीएनए से सिर्फ इस चेन को बनाने वाले जीन को और इस चेन को बनाने वाले जीन को आइसोलेट किया अलग अलग, और अलग अलग वेक्टर्स में लाइगेट किया, और लाइगेट करने के बाद में अलग अलग होस्ट सेल में उसको इंट्रोड्यूस किया, और अलग अलग ही इसको क्या करवाया, कल्चरिंग करवाया। कल्चरिंग करवाया यानी कि जब इकोलाई सेल के अंदर में वो लाइगेटेड डीएनए, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो अलग अलग गया, अलग अलग जब उसकी कल्चरिंग हुई तो उस जीन का एक्सप्रेशन अब कहाँ हो रहा है, इकोलाई सेल के अंदर में हो रहा है, दोनों अलग अलग सेल्स में अलग अलग कल्चर में हो रहा है। फिर क्या किया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू इन दोनों चेन को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया उन सेल्स से, और इस ए चेन को और बी चेन को लेबोरेटरी के अंदर क्या किया,
सिंथेटिकली आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, तो आपकी क्या बन गई, ये वाली इंसुलिन बन गई। इसमें सी चेन तो आया ही नहीं कहीं पे, क्योंकि सी चेन वाले जीन को तो उन्होंने आइसोलेट ही नहीं किया था। क्लियर है यहां तक, यस या नो? बस अब हमें इसको नोट करना है जल्दी से, ठीक है? जहां पे किसी को डाउट हो एक बार बोल देना, मैं ये रब कर रही हूं, आप थ्योरी के बारे में नोट करिएगा, ठीक है? क्या क्या कहानी हुई थी, कैसे कैसे उस कंपनी ने बनाया और कब बनाया था, जो हमारी इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था, बहुत याद रखने की, जो ईयर है इजी है, 1983 में, ठीक है? इसको सबसे पहले क्या किया गया था, मार्केटिंग कर दिया गया था। और डेट भी अगर आपको याद रखनी है तो 5 जुलाई, ठीक है, 1983। चलिए इसके पॉइंट्स को हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या क्या लिखेंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज था एलिली कंपनी के लिए वो बस यही था कि कैसे इसको मॉडिफाई किया जाए मैच्योर इंसुलिन में, ठीक है? हमें ये भी पता है कि एक साइंटिस्ट थे बेंटिंक और बेस्ट, उन दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंसुलिन को 1921 में डॉग के पेनक्रियाज से आइसोलेट किया था। इसीलिए हम कुछ इसके पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसे वर्ल्ड डायबिटिक जो डे है वो 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये इसलिए क्योंकि जो बेंटिंक थे उनका बर्थडे होता था 14 नवंबर को, तो उनके बर्थडे को एज अ कंसिडर कर दिया गया था डायबिटिक डे, है ना? तो चलिए हम एक एक करके इनके पॉइंट्स को लिखते हैं यहाँ पे। कि सबसे बड़ा एक तो कुछ पॉइंट्स हम कल लिख चुके थे, जैसे कि जो सी चेन होती है ना, सी चेन ये कैसी है, ये एक एक्स्ट्रा चेन होती है, और जब ये एक्स्ट्रा चेन ऐड होती है किसके साथ में, विद ए एंड बी पेप्टाइड चेन, है ना, ऑफ इंसुलिन। तो ये जो एक्स्ट्रा चेन है ना, जब ये इन ए और बी के साथ में होती है, ए सी बी के फॉर्म में होती है, तो ये होती है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होती है ये प्रो इंसुलिन, ठीक है, या इमैच्योर इंसुलिन। जब इस चेन में से रिमूवल कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा, इतने लेट कौन मचा रहा है भाई, हाँ ठीक है, जब इसमें से रिमूवल कर दिया जाता है ऑफ एक्स्ट्रा सी चेन का, तब ये प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैच्योर इंसुलिन में। अच्छा, जितना हम बोल रहे हैं उतना आसान तो नहीं था, बोलना तो बड़ा आसान है, करना तो आसान नहीं है। यही सबसे बड़ा चैलेंज था उस कंपनी के लिए, या मैं ये कह दूँ उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही तो यूज़ किया था, है ना? तो दिस वॉज वॉट, यानी कि आप इसे ऐसे लिखिएगा, बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज किसके लिए था, यानी कि आपको मैच्योर इंसुलिन सिंथेसाइज करनी है, किसके थ्रू करनी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू करनी है। हम उसे कैसे मॉडिफाई करेंगे प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन में, ठीक है? तो बिगेस्ट चैलेंज टू सिंथेसाइज इंसुलिन